JNU-SU यूनियन के कॉल पे हम सब आज MHRD मार्च पे आए थे। हम सब जानते हैं कि JNU में ABBP ने और RSS सब मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलके कितना घटिया तरीके से वायलेंस किया था, उसके विरोध में और फिहाइक मूवमेंट के लिए हम यहाँ आए थे। और उस पर MHRD ने बात जो नेगोशिएशन हुआ था उसमें VC रेजिग्नेशन का बात को बिल्कुल नहीं माना, और इस पर हमारा प्रेसिडेंट ने कॉल दिया था कि हम राष्ट्रपति भवन को मार्च करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत पीसफुली मार्च कर रहे थे वापस, दे वर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो बिकॉज अ लॉट ऑफ देम हैड ऑलरेडी डिस्पर्स्ड आफ्टर द मॉर्निंग बिकॉज द नेगोशिएशन हैड हैपेंड टिल द इवनिंग। द स्टूडेंट्स आर मार्चिंग वेरी फॉरवर्ड वेरी पीसफुली एंड द पुलिस ब्रूटली लाठी चार्ज ऑन अस। There were few vehicles and students were getting aram se onto those vehicles also to get detained. But the male police manhandled the women so badly. They were hitting us with their boots. They slapped us. They were pushing us with lathis. They were targeting out two women who were in burqa. शिक्षा पर और छात्रों पर देश भर में जो हमला हो रहा है, JNU, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे कैंपसेस पर जो अटैक्स हो रहे हैं उसके खिलाफ आज दिल्ली की सड़कों पर उतर गए हैं सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, वाम दलों की लीडरशिप, JNU स्टूडेंट्स, DU स्टूडेंट्स और बहुत सारे अन्य स्टूडेंट्स जो दूसरे शहरों से भी यहाँ पर पहुँचे हैं इस मार्च में शामिल होने के लिए। JNU पर जो हिंसा हुई है उसके खिलाफ और JNU के वाइस चांसलर का इस्तीफा मांगने की डिमांड्स लेकर के ये मार्च मंडी हाउस से लेकर के MHRD की ओर अब बढ़ रहा है। और यही कई बड़ी डिमांड्स हैं कि आखिर क्यों जो लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिन लोगों ने वायलेंस किया था JNU में, वो अभी भी क्यों खुले घूम रहे हैं। JNU VC जो इस सिचुएशन को नहीं टैकल कर पाए, जो यूनिवर्सिटी पर एक तरह से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक अटैक जारी कर रखा है, आखिर उनका इस्तीफा क्यों नहीं अभी तक उन्होंने सबमिट किया है, तो इस तरह की डिमांड्स लेकर के लोग यहां से मार्च कर रहे हैं MHRD की ओर। और ये मार्च ऑफकोर्स CAA और NRC के खिलाफ भी अपनी आवाज़ को लोग बुलंद रखेंगे, ये मूवमेंट जारी रहेगा चाहे कितना भी वायलेंस हो जाए, ऐसा एक मैसेज होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। बीजेपी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, मासूमों की आस से बचाओ। So I am coming from Lucknow. I did not have time to keep my bag at home because my train got a little bit late, so I had to reach here directly. This is not done, yaar. How can you just like enter colleges and beat us for studying, for doing what we are supposed to do, for making a future? So obviously everybody, me and everybody else is going to stand by it, and uske liye jitna efforts padega har koi karega. So it's not a big thing to do. It's a moral responsibility. एंड आई मतलब काफ़ी बुरा लगता है देख के कि हमें ये स्टेप लेना पड़ता है एंड हमारे एल्डर्स हमें या तो ज़्यादातर पुल डाउन करते हैं या दे आर जनरली ट्राइंग टू डीमोरलाइज अस कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। JNU में जो हम सबको पता है कैसे ब्रुटैलिटी, कितना गंदा किया है उन्होंने, पुलिस बाहर खड़ी होने के बावजूद उन लोगों को मारा गया है, पुलिस बोल रही है हमें ऑर्डर नहीं मिले हैं। आपको आपके पास ऑर्डर जामिया का, जब आप जामिया में घुसे तो आपके पास कोई ऑर्डर था? तब भी नहीं था ना आपके पास। और मुझे नहीं पता कि आपकी सिक्योरिटी, अगर आपको एक जगह की सिक्योरिटी दी गई है कि आप यहाँ पर रहोगे और उसके अंदर आपको पता है कि लोग घुसकर मार रहे हैं लोगों को, तो आपकी आपको आपका ड्यूटी था कि उसे अंदर पहले तो उन लोगों को जाने नहीं देना चाहिए था। आप लोगों ने अभी तक उनको 4-5 दिन हो गए आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया, आपको हमने सारा वीडियोज दिया है, चैट बाहर निकाल के दिया है, आप लोग कर क्या रहे हैं? वेल सो टुडे वी वांट टू गो टू द MHRD एंड फर्स्टली मेक अ डिमांड दैट द वाइस चांसलर ऑफ JNU मस्ट बी रिमूव्ड। It's a demand that we made earlier, but now there is an additional factor, which is that not only is he responsible for something, for the orgy of violence on the 5th, no investigation can on into that is possible as long as he continues in office. It's not possible for any kind of normalcy to return to the campus, for any sense of security to return to students and teachers on the campus as long as he continues in office. And therefore, his immediate removal is a necessary condition for any progress being made from the situation in which we find ourselves today. We have come here in solidarity with the students and teachers of JNU. I mean, the way in which outsiders, masked gundas, came armed and damaged the university, mercilessly beat up the students, including the president of the students' union and teachers,
That is something unheard of in the history of JNU. And this has been allowed because why the Vice Chancellor kept quiet for 3 hours while all this rampage was going on? That answer is very clear. He is also complicit in this. So therefore, he has to quit. 3 days हो गए हैं अभी तक पुलिस ने एक गिरफ्तारी नहीं की है सीताराम येचुरी और वो कह रहे हैं कि देखिए पहचान कर ली है जांच आगे चल रही है अरे क्या जांच चल रही है पहले तो बता दिया कि हमने जांच कर लिया आइडेंटिफाई कर लिया हाँ तो उसके बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही और उल्टा FIR फाइल करते हो आपके छात्र नेताओं पर और वो FIR फाइल करते हो घटनाएँ जो घटी है 4 दिन पहले वो FIR फाइल होता है 5 तारीख की रात को इसका मतलब क्या है जब घटना घटी तब FIR होना समझ सकते हैं 4 दिन बाद FIR लॉन्च करना और वो भी ये पूरा जो हमला हुआ वहाँ पे उसके बाद देखिए देश के लोग एक तरफ हैं और देश की सरकार उनके उनके संरक्षण में पल रहे गुंडे उनका भेजा हुआ पिट्ठू वाइस चांसलर वो एक तरफ है हम कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं जिसको मानने में दिक्कत है बता दीजिए इस देश में क्या लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है लोग क्या कह रहे हैं कि हमारी जो फीस बढ़ाई गई है उस बढ़ी हुई फीस को वापस लिया जाए बस इतनी सी बात है जिसको सरकार कर सकती है सरकार के पास मैं आपको बता दूं एजुकेशन सेस के नाम पे 90,000 करोड़ रुपया वसूल किया गया है जो यूनिवर्सिटीज को नहीं दिया जा रहा है सरकार के पास पैसा है सीधे तौर पर वो चाहते हैं कि JNU बंद हो तभी तो जाकर के जियो जैसी यूनिवर्सिटी चलेगी ये इस देश में पब्लिक का जो पढ़ने का अधिकार है जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो जो जनता के पैसे से चलने वाले संस्थान है उसको बचाने की लड़ाई है किन कैंपस से जैसा सूचना मिल रही है कि पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रोकी हुई है छात्रों को बाहर नहीं आने दे रही है किसी प्रकार के प्रोटेस्ट में यहाँ पे जो हम लोग आए हैं बेसिकली गांधी के सपनों पे आइडिया ऑफ इंडिया के सपनों पे जैसे प्रहार किया जा रहा है वर्तमान सरकार द्वारा हम उसके खिलाफ अपनी प्रतिरोध की आवाज़ यहाँ पे हम लोग बुलंद करने आए हैं हमारी मेन मांगे हैं कि जैसे जामिया अलीगढ़ या देश JNU या देश के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जैसे ये RSS या सरकार द्वारा जैसे बुटली तरीके से हमले किए जा रहे हैं हम उसके खिलाफ़ प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद करने आए हमारी मेन मांगे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि JNU में 5 तारीख को RSS जैसा कि कुछ न्यूज़ चैनलों ने ये बताया कि और पीक को क्लियर करके कि RSS के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग बाहर से आए और JNU के हॉस्टलों में घुस के लड़कियों को मारे यहां तक कि JNU SU के प्रेसिडेंट को लोगों ने मारा हम चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और BC जल्द से जल्द रिजाइन दे BC के साथ हम जो फी है वो कम्प्लीट रोल बैक हो